अच्छा, दूसरा एक मगध के राइज में कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं, जैसे बेसिकली जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं, उनका ये कहना है कि मगध में ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था। अब मेरे हिसाब से भाई ऑर्थोडॉक्स रिलीजन का इन्फ्लुएंस ना होने का के कारण राइज होना समझ नहीं आता, क्योंकि आप गुप्ता पीरियड में चले जाएं तो गुप्ता पीरियड में भाई वो ऑर्थोडॉक्सी का गढ़ था गुप्ता एम्पायर जो था। वहाँ के राजा आपके समुद्रगुप्त प्राउडली क्लेम कर रहे हैं कि भाई मैंने अश्वमेध यज्ञ करवाया है, अश्वमेध यज्ञ, इससे बड़ी ऑर्थोडॉक्सी का पैटर्न कोई हो नहीं सकता, तो गुप्तों का तो राइज हो गया।